हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं। ऑल्दो आज मार्केट जो है हमारा काफ़ी स्टॉप हंट वाला रहा है, काफ़ी स्कैमी सा मार्केट रहा है, तो ओवरऑल आज का दिन इतना अच्छा नहीं रहा। बट स्टिल अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जहाँ पे मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर जाओगे उन दिनों पे जहाँ पे मार्केट अच्छा चलता है। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन, कल हमारे 7000 सब्सक्राइबर्स थे। मैंने आप लोगों को बोला था 7500 का हमारा टारगेट है एक हफ्ते के अंदर, और आप लोगों ने ऑलरेडी 7850 सब्सक्राइबर्स करवा दिए एक दिन के अंदर। सो थैंक यू सो मच। जो कोई भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम 8000 सब्सक्राइबर्स पर पहुंच जाए, बहुत ज्यादा क्लोज है। वीडियो को लाइक करो और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आज आप लोगों को एक ट्रेड डालने का ट्राई किया था, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि मेरा जो लेवल था वो किस बेसिस पे था, मैंने ट्रेड किस बेसिस पे दी थी वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड मेरी इस बेसिस पे थी कि जब कभी भी ये जो लेवल है इसको मार्केट अगर रिकैप्चर करता तो मेरे को ये था कि जी मार्केट हमारा अच्छा खासा ऊपर जाएगा। मार्केट ने रिकैप्चर करा यहाँ पे, ये वाला जो कैंडल बना था आई थिंक ये था, और फिर उसी कैंडल पर वापस से नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, फिर एक और बार रिकैप्चर किया और फिर एक और ब्रेकडाउन दिया, और अभी एक और बार रिकैप्चर करके एक बड़ा ब्रेकडाउन दे रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो ब्रेकडाउन अभी करंटली चल रहा है ये इसको लीड करेगा 41,000 तक। नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है हम लोग को यही दिख रहा है 40,900, जो कि अभी ये टूटने वाला है। अभी भी मार्केट क्लोज होने में 21 मिनट है, तो आई थिंक 41,000 हमको देखने को मिल जाएगा। बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिंग आज के दिन नहीं बनती थी, और दो स्टॉप लॉसेस, तीन स्टॉप लॉसेस के बाद हम लोगों ने प्रीमियम के अंदर भी आज हाथ खड़े कर दिए कि इसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमारी एक ट्रेड अच्छी हुई थी, आई थिंक दो तीन ट्रेड हमारी 10-10% के स्टॉप लॉसेस कट गए थे। तो मेरा जो भी व्यू है बैंक निफ्टी को लेके वो ये है कि यहाँ से आज हल्का सा नीचे जाना चाहिए। ओवरऑल जो मैक्रो व्यू है वो अभी भी बुलिश है गाइस, प्लीज माइंड दिस। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था आज हमको एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। नया ऑल टाइम हाई आज हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिला, 41,824 का ऑल टाइम हाई था, 840 का हाई आज हमको लगता हुआ देखा, तो उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस सही थी। कल मैंने BTST करवाई थी, वो BTST हमारी सही थी। आई थिंक कल हम लोगों ने प्रीमियम के अंदर 75-70 रुपए पे कॉल खरीदी थी, वो आज सुबह ओपन ही 110 या 120 के आसपास हुई थी। तो BTST का ट्रेड इट वॉज सफिशियंट फॉर द होल डे मेरे ख्याल से, बट स्टिल हम लोगों ने थोड़ा सा हाथ पैर मारे हैं उसके अंदर। बट ओवरऑल मेरे को जो लगता है वो यही है कि मार्केट जो है यहाँ से ऑल टाइम हाई फर्दर बनाना चाहिए, एंड जो ओवरऑल टारगेट है हमारा यहाँ से अब वो 45,000 के आसपास का सेट हो चुका है। कल आप लोगों को करना कुछ नहीं है, कल आपको वेट करना है 18840 का, 41,840 का, एंड उसके ऊपर हम लोग लॉन्ग करेंगे। ये लेवल है हमारे पास लॉन्ग करने का, इसके ऊपर हमारे टारगेट्स यही बनते जाएंगे 42,500, 43,000। अब हर 500 पॉइंट्स के गैप पे हम लोग को एक रेजिस्टेंस मिलेगा। क्यों रेजिस्टेंस मिलेगा 500 पॉइंट के गैप पे? क्योंकि डिस्कवरी जोन में जा रहे हैं। डिस्कवरी जोन में जाना मतलब पहले इस जोन के अंदर मार्केट कभी भी नहीं गया, तो माइंड इट मार्केट अगर वहां पर जाएगा तो खुद के नए रेजिस्टेंसेस सर्च करने का ट्राई करेगा, नए सपोर्ट बनाने का ट्राई करेगा। तो ओवरऑल अभी 41,840 के ऊपर ही लॉन्ग लेने का फायदा है। एक रिस्की लॉन्ग बन सकता है 41,500 के ऊपर, बट आई थिंक उसका हम लोगों को वेट करना चाहिए। BTST की अगर आप लोग बात करो तो BTST मैं आपको आज कुछ नहीं बोलूंगा, जैसे कल तो मैंने आपको बोल दिया था कि आप कॉल ले जा सकते हो, आज मैं आपको BTST नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है मार्केट यहाँ से भी फर्दर नीचे क्लोज होना चाहिए, 41,000 के आसपास सेटल जहां कहीं पे भी हो, और कल मेरे को लगता है जहां कहीं पे भी मार्केट क्लोज होगा वहां से गैप अप खुलना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो पैटर्न है ये एक बुल फ्लैग भी टर्न आउट कर सकता है, बट ओवरऑल जो हमको ब्रेकआउट देखने को मिलना है वो ऊपर की साइड को ही देखने को मिलना है। तो जहां कहीं पे भी डिप मिले स्टिल सेम व्यू, बाय ऑन डिप्स एंड कीप वेटिंग। इसके बाद गाइस निफ्टी की बात करें हम लोग, तो निफ्टी का आज हमारा जो सी वेव का स्ट्रक्चर सा था ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आई थिंक जो नेक्स्ट वेव काउंट होना चाहिए वो मैं कल देखूंगा कि यहाँ पर ये सी वेव कहाँ खत्म होती है, यही कहीं जोन होना चाहिए। ये जो ए वाली वेव है इसको नहीं तोड़कर जाना चाहिए सिंस इट्स अ फ्लैट करेक्शन। तो मेरे अकॉर्डिंग 17,750 मार्केट किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि ए वेव है और ए वेव हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है, बी वेव फिफ्थ वेव के पास जाकर गया था, तो दैट मीन्स इट्स अ फ्लैट करेक्शन, एंड इफ इट्स अ फ्लैट करेक्शन तो सी वेव जो है अपने आपको ए वेव के ऊपर रखने का ट्राई करेगा, अनटिल अनलेस फिर वो वेव फेलियर के केसेस वहाँ पे हमको
देखने को मिल जाते हैं। तो कल हम लोग वापस से अपने उन्हीं पुराने लेवल से पहुंच गए, 17,940 के ऊपर आप लोग लॉन्ग कर सकते हो। एंड अगर आपको 750 के आसपास निफ्टी देखने को मिलता है तो आई थिंक वहां पे हम लोग डिप बाइंग करने का सोच सकते हैं। स्टिल नेवर्थलेस जो कुछ भी बनेगा वो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना एंड इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 8,000 सब्सक्राइबर्स हमने करनी है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाते जाते मेरे को ये जरूर बताना कि आज कौन से स्टॉक्स में चार्ट करूं। बहुत सारे लोग मेरे को टाटा मोटर्स के बारे में बोलते हैं, रिलायंस, SBI, जितने भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं मैं सब ऑलरेडी ट्विटर पर चार्ट कर चुका हूँ, जाकर चेक तो करो। और हाँ, एक जना एक ही चार्ट लिखना क्योंकि उतना ही पॉसिबल हो पाता है। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।